Hello friends, welcome to official channel of AglaSim. NTA has released the answer key for JEE Main 2019. Also, you can challenge your answer now. In this video, I will be helping you in checking your answer key. So watch this video till the end. So as anticipated earlier, the answer key is out now. But lots of students are facing difficulty while matching the answer. This time the answer key is a bit different. Each question has an assigned ID and each option has its own ID as well. So we have to match the question ID from the response sheet and the corresponding correct option ID as well. For each correct answer you will be awarded +4 marks and for each negative answer or wrong answer you will be getting -1 marks. जैसे ही आप JEE Main के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि jeemain.nic.in है, आपके सामने ये दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा चैलेंज आंसर की का और दूसरा होगा डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्सेस का। आपको ये पहले वाले ऑप्शन चैलेंज आंसर की पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन होंगे लॉगिन के लिए। पहला ऑप्शन होगा थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन होगा थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आप दोनों में से सुटेबल ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने खुलेगा जहां पे आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन पेज पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड। और ये सिक्योरिटी पिन। एंड देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहां पे आपके सामने ये चार ऑप्शंस होंगे। आपके लिए ये दो ऑप्शन व्यू क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज आंसर की इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप सेपरेट टैब्स में खोल लीजिए। सेपरेट टैब में खोलने के लिए आपको व्यू क्वेश्चन पेपर पर राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है और सेम चैलेंज आंसर की के साथ भी राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। अब आपके पास आपका आंसर की है और आपका रिस्पॉन्स है। अब आपको आंसर की वाले पेज पे जाना है जहां पे आपको क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन की आईडी दी हुई है। तो आपको क्वेश्चन आईडी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और फिर आप रिस्पॉन्स शीट पे जाकर पहले आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना है। एक टैब खुल के आएगा जिसमें आपको अपने क्वेश्चन आईडी की जो आपने कॉपी करा था उसे पेस्ट कर देना है। उसको करते ही आपके सामने क्वेश्चन 20 पे असाइंड वो क्वेश्चन आईडी आपके सामने दिख जाएगा। अब आपको फिर से आंसर की वाले पेज पे जाना है और यहां से करेक्ट ऑप्शन की आईडी को कॉपी करना है कंट्रोल सी से और रिस्पॉन्स शीट पे आके उसे पेस्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने करेक्ट ऑप्शन आईडी और आपका चूजन ऑप्शन दिख जाएगा। आप दोनों को कंपेयर कर लें। अगर आप का ये दोनों ऑप्शन सेम आ रहा है तो यानी कि आपका ये आंसर सही है और फिर आप बाकी क्वेश्चन के साथ भी ऐसे ही करें। क्वेश्चन आईडी को कॉपी करें और रिस्पॉन्स शीट पे आके उसे पेस्ट कर दें। जैसे कि क्वेश्चन 21 पे ये क्वेश्चन आईडी असाइंड है और फिर आंसर की वाले पेज पे जाके करेक्ट ऑप्शन को कॉपी करें और रिस्पॉन्स शीट पे आके इसे पेस्ट कर दें जिससे आपका करेक्ट ऑप्शन और चूजन ऑप्शन पता चल जाएगा। आप दोनों को कंपेयर कर लें। दोनों अगर सेम है तो यानी कि ये आपका आंसर सही है और इसे आप सेपरेटली नोट कर लें। सही आंसर पे अपने आप को पॉजिटिव नंबर दें और गलत आंसर पे नेगेटिव मार्क्स। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन की आईडीज को यहां से कॉपी करके वहां से आप रिस्पॉन्स शीट पे टैली कर लें और करेक्ट ऑप्शन को भी कॉपी करके अब एग्जैक्टली टैली कर लें कि आपका आंसर सही है या गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है लेकिन चूजन ऑप्शन ऑप्शन 2 है। तो यानी कि ये आंसर गलत है और इस पे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आप सारे आंसर को चेक कर लें, सारे क्वेश्चन आईडी को यहां से कॉपी करें, वहां पे पेस्ट करके क्वेश्चन पता कर लें और फिर करेक्ट ऑप्शन को देख के अपना सही या गलत आंसर देख लें। जब आप ये पूरा ऑप्शन सब कुछ मैच कर लेंगे, आप अपने पास सेपरेटली आपने लिख रखा है कि आपका सही आंसर कौन सा है गलत आंसर कौन सा है, तो आप अपना एंड में एग्जैक्ट स्कोर देख सकेंगे कि आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना आ रहा है। ऑल्सो आप एनटीए ने चैलेंज
आंसर की वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड करा है, एंटेना चैलेंज आंसर की का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा है। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो सही है और एनटीए के आंसर की में जो आंसर दिया वो गलत है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पर टिक करके जो भी आपको लगता है सही आंसर है आप क्लेम कर सकते हैं। नीचे आप जब जाएंगे तो आपको एक क्लेम का ऑप्शन दिखेगा, सेव योर क्लेम, आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे आंसर को मैच कर लीजिए। सो दीज आर द सिंपल स्टेप टू चेक योर आंसर की, एंड इन दिस वे यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम द आंसर की। आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू ऑल इन कैलकुलेटिंग योर स्कोर। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगला सेम, सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस। वी विल बी बैक विथ मोर वीडियोस। टिल देन ऑल द बेस्ट।